खबर बलिया जनपद से है, जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ बलिया से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में करेगी प्रदर्शन। आज बलिया कलेक्ट्रेट की योगी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया आगाज। यूपी जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, गोंड, खरवार, तुरह बिरादरी को SC ST जाति प्रमाण पत्र न निर्गत करने, घाघरा गंगा नदियों के बाढ़ और कटान, पीड़ितों को मदद करने, भाजपा नेताओं द्वारा अवैध शराब के किए जा रहे धंधे को रोकने, छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने, जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने हेतु जनपद को विशेष पैकेज देने, बड़े बंद पड़े नलकूपों को ठीक करने, नगर क्षेत्र के जल जमाव एवं जाम से मुक्ति आदि 18 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी बलिया द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को विशाल धरना दिया गया। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंचाने के लिए अपर जिलाधिकारी को सौंपा कई पन्नों का पत्र। धरना सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि हर राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत बलिया से होती है और इस बार भी इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ बिगुल बलिया ने बजाया है। 27 में सफलता अवश्य मिलेगी। पूर्वांचल से चला यह विरोध का आंदोलन लखनऊ की कुर्सी हिलाएगा। सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बलिया के अधिकारी जनहित के सवाल पर जनता की सुने नहीं तो ये भृगु मुनि की धरती है, यहाँ के लोग जवाब तुरंत और वाजिब देते हैं। सांसद राजीव राय ने कहा कि PDA के लोगों एकजुट हो जाइए, समाजवादी पार्टी ही आपकी शुभचिंतक है, इसे मजबूत बनाइए। घोसी के सांसद राजीव राय ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज ही से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। धरना सभा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, सिकंदरपुर विधायक मोहम्मद रिजवी, जयप्रकाश अंचल, शोएब इस्लाम, संतोष राम, कई समाजवादी पार्टी के नेता, दी प्रतिक्रिया और बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला। किस तरह का ये प्रदर्शन है, क्यों प्रदर्शन आज कर रही समाजवादी पार्टी, क्या वजह रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही है, उसकी जन विरोधी जो नीतियां हैं और पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, इन तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, बिजली के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, वक्फ एक्ट के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। तो वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, ना उनके पास कुछ है, कोई मुद्दा नहीं है, इसके वजह से वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में खुद झाके कि 10 वर्ष लगातार 10 सालों की सरकार होने जा रही है, 27 में 8 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी द्वितीय पाली खेल रही है, वो खुद ही समीक्षा करे कि उसने जनता के लिए क्या किया है। ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से उखाड़ करके जन सरोकार के मुद्दों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। अभी ये शुरुआत है। समाजवादी पार्टी का बलिया मुख्यालय पर प्रदर्शन रहा, क्या मांग रही, कि किस बात को लेकर समाजवादी पार्टी परेशान है, जनता को संदेश क्या है? इस बात को लेकर पूरा प्रदेश परेशान है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, जुर्मों सितम, जाति देख कर फैसले लेना, लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, निरंकुश प्रशासन, इन सबके खिलाफ इस क्रांतिकारी धरती बलिया से जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज संघर्ष की आगाज समाजवादी पार्टी ने। जिस तरह से प्रदेश में लगातार योगी सरकार कह रहा है कि कौशल विकास योजना से लेकर तमाम प्रकार के योजना के लेकर पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था सरकार से, आप लोगों ने दूसरे चलाया था, याद हो या ना हो, ये सरकार का नीचे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दूसरे दिन दावे करते हैं कि हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतने रोजगार चला दिए, इतने लोगों को रोजगारी रेखा से ऊपर ला दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। तो आप पत्रकार साथियों से मैं अपना ज्ञान वर्धन कराना चाहूँगा कि जो सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चल रहा है, वो 79,99,999 क्यों नहीं हुआ? दोनों क्या वजह रही थी, समस्याएं तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन बलिया जनपद में समस्याओं ने विकराल रूप धारण किया। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है कि खुद हमारा अस्पताल है बीमार,
हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब महीनों से है, सीटी स्कैन की मशीन खराब महीनों से है, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, जो डॉक्टरों की बहुत कमी हमारे जनपद में। और हमारे ना आज आज ठीक होता है। मेरा नाम और परिचय बता दो। मैं प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आज बलिया जनपद से हमारे पूरे कोने कोने से आए हुए आम जनता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर के नेता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, छात्र को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया गया है कि आए दिन जो है सरकार के जो आश्वासन रहे हैं वो सब फेल हो रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर के यह सरकार सत्ता में आई है ठीक उसके विपरीत कार्य कर दूँ। यह सरकार कहीं से भी हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई दुगना बढ़ता जा रहा है।